इस स्क्रू ड्राइवर मशीन से आप किसी भी स्क्रू को खोल सकते हैं व टाइट भी कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको सभी स्क्रू खोल कर व इसे टाइट कर कर भी आपको दिखाता हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको इसे कैसे बनाते हैं यह भी बता रहा हूँ। इसे आप पीवीसी शीट पर भी होल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कर दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको स्क्रू ड्राइवर मशीन बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें एक N20 गियर मोटर चाहिए होगी, जिसमें मैंने पहले एक सोल्डर कर चुका हूँ, और लिथियम बैटरी और एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल, जिसे हम स्क्रू ड्राइवर को रिचार्जेबल बना सकते हैं। इस TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन करना बहुत आसान है। इसका डायग्राम आपको साइड में शो कर रहा होगा। तो चलिए मैं इसको जल्दी से सोल्ड करके दिखाता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। मैं इसमें बिजली फिटिंग में उपयोग होने वाले PVC पाइप का उपयोग कर रहा हूँ। तो आप कोई भी पाइप ले सकते हो जो थोड़ा हार्ड हो। तो चलिए मैं इसको इसके अंदर डाल दिया हूँ, दो वायर निकाल दिया हूँ जो हमें स्विच में लगाना है। मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें इसमें एक स्विच लगाना होगा। तो मैं PVC पाइप में स्विच लगाने के लिए इसमें होल करता हूँ। होल करने के लिए मैं सोल्डरिंग आयरन का उपयोग कर रहा हूँ। दोस्तों जब तक मैं इसमें होल कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मोटर को क्लॉक वाइज व एंटी क्लॉक वाइज घुमाने के लिए 6-पिन स्विच का उपयोग करना होगा। इसका कनेक्शन करना बहुत आसान है। तो मैं आपको 6-पिन स्विच का कनेक्शन शो कर दे रहा हूँ। देखिए यह डायग्राम है इसका। TP4056 से जो हमने आउटपुट निकाला था, उसको हमें स्विच में लगाना है। तो इसमें मैं सोल्ड कर दे रहा हूँ। मैंने इसमें सोल्ड कर दिया है। दो तार सामने निकाल लिया है, जिसे हमें मोटर में लगाना होगा। इस स्विच को मैं PVC पाइप के अंदर डाल देता हूँ और वो फेमिक्विक से अच्छे से चिपका देता हूँ, जिससे यह स्विच निकले ना। दोस्तों मैं एक छोटे PVC पाइप का यूज़ कर रहा हूँ, जिसे मैं N20 गियर मोटर के अंदर डाल दे रहा हूँ और इसे सुपर ग्लू से चिपका देता हूँ। अब स्विच से जो हमें आउटपुट मिला था, उसे हमें मोटर के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसी मोटर के साथ लगा के इस PVC पाइप के अंदर डाल दिया हूँ और ग्लू गन की सहायता से इसे चिपका दिया हूँ। यह 90% बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसे रोटेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैं स्विच को आगे करता हूँ, यह क्लॉकवाइज घूमता है, और इसे मैं पीछे करता हूँ तो यह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब हमें मोटर के साथ हमें बिट लगाना है। तो बिट लगाने के लिए मैं 5 रुपये वाली पेन की रिफिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बिट लगा दिया है और यह अच्छे से वर्क कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं आपको इससे स्क्रू को खोलकर दिखाता हूँ। स्क्रू को खोलने से पहले मैं इसे एक बार चार्ज पर लगा देता हूँ। यह चार्ज हो चुकी है। अब मैं आपको इससे FM रेडियो का स्क्रू खोलकर दिखाता हूँ। देख ही सकते हो आप यह कितनी आसानी से स्क्रू को खोल दे रहा है। अब मैं आपको सोल्डरिंग आयरन का स्क्रू को खोलकर दिखाता हूँ। तो इसे खोलने के लिए स्विच को पीछे कर लेता हूँ। जैसे मैं स्विच को पीछे करता हूँ, यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसने स्क्रू को खोल भी दिया है। अब मैं आपको इसी स्क्रू को टाइट कर भी दिखाता हूँ। तो इस स्क्रू को मैं वापस वहीं पर लगा देता हूँ और लगा दिया हूँ। अब मैं आपको स्विच को आगे कर इसे टाइट कर दिखा रहा हूँ। यह देखिए इसने कितनी आसानी से इस स्क्रू को टाइट कर दिया है। यह सभी स्क्रू को खोल दे रही है और टाइट भी कर दे रही है। आप इसे घर पर बना सकते हो। सच में यह बहुत काम की मशीन है। अब मैं आपको एक PVC सीट पर होल कर दिखाता हूँ। तो यह PVC सीट पर भी होल अच्छे से कर देती है। मैंने इसे एक बार ट्राई कर चुका हूँ। देखिए कितनी आसानी से यह होल करने लगी है। अगर हम इसमें ड्रिल बिट फंसा दें तो यह इसमें आसानी से होल कर सकती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।